जी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? चिड़ियाघर सीरियल में अभी ट्रैक चल रहा है जहाँ सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है, तो ये बनारस सिंगिंग कंपटीशन है जिसमें हर मोहल्ले से लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हमारे मोहल्ले से भी कोई पार्टिसिपेट करे इसके लिए ना ग्रेट मौसी को बड़ी टेंशन होती है। वो बाबूजी के यहाँ जाती है तो देखती क्या है कि बाबूजी मुकेश के गाने पे इंजॉय कर रहे होते हैं कि कौन सा गाना है मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो ग्रीड मौसी को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं भी बाबूजी के साथ मिलके जोड़ी बनाऊं और पार्टिसिपेट करूं। लेकिन बाद में पता चलता है कि इस जो कंपटीशन की शर्त है वो ये है कि पार्टिसिपेंट की जो कंटेस्टेंट की जो फिर से ले लूं हाँ, चलेगा। जो कंटेस्टेंट है उसकी उम्र जो है 21 साल से कम और 41 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। मैं दिल टूट के घर आ जाती हूँ। बाद में पता चलता है कि भूल गई मैं क्या बोलना था। कह रहा है कि सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है, ये है बनारस सिंगिंग कंपटीशन जिसमें हर मोहल्ले से लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो क्रिकेट मौसी को टेंशन होती है, मोहल्ले की टेंशन वो हमेशा लेती है ना कि हमारे यहाँ से कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो बाबूजी के यहाँ ऐसे ही वो हलवा बना के ले जाती है, तो देखती क्या है कि बाबूजी मुकेश के गाने भी इंजॉय कर रहे होते हैं। साथ में ये भी शुरू हो जाती है कि गाना गाने के लिए बीच बीच में से आइडिया आता है कि क्यों ना बाबूजी आप और मैं जोड़ी बनाएं और इस सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लें। तो बाबूजी घबरा जाते हैं, पूरे अपने घर को बुला लेते हैं कि देखो देखो ग्रीड मौसी आई है, इसे दफा रफा दफा करो, ऐसा ऐसा। तो मैं बताती हूँ बाबूजी को, बाबूजी अगर मोहल्ले की लता मंगेशकर मैं हूँ तो आप मुकेश हैं। तो बाबूजी कहते हैं कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस कंपटीशन में जो है हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी शर्त है कि जो कंटेस्टेंट है उसकी उम्र 21 साल से ज़्यादा और 41 साल से कम नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसे ही है, मैं कुछ गलत शायद गलत बोल रही हूँ। तो हम ऐसे मेरा दिल टूट जाता है, मैं घर वापस आ जाती हूँ। तो पता चलता है कि कोयल और ये जो है उसका हस्बैंड घोटक, वो पार्टिसिपेंट वो नहीं, कोयल ने अपने हस्बैंड को बुलाया घोटक को फॉर्म लाने के लिए कि मैं पार्टिसिपेट करूँगी, और वो जो है पप्पी के साथ जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स हो जाता है थोड़ा टाइम के लिए कि हाँ चलो यार अपने मोहल्ले से कोई तो पार्टिसिपेट कर रहा है। बाद में जब ये लोग कर रहे होते हैं ना यहाँ पे नाच गाना वगैरह, तो मैं फ्लैशबैक में चली जाती हूँ कि काश बाबूजी ने अगर हाँ कह दी होती तो रंग दे तू मोहे गेहुआ मैं और बाबूजी कर रहे होते। तो मैं फ्लैशबैक में चली जाती हूँ और देख रही होती हूँ ये कपड़े पहन के कि आह बाबूजी मेरे साथ हैं और मैं ये गाना इंजॉय कर रही हूँ। ये है इस गाने के पीछे की स्टोरी। आप देखिएगा आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे मेरा गला बैठा हुआ है, मुझे बोलने थोड़ा सा वो अच्छे से नहीं मैं बोल पाई, मुझे ऐसा लग रहा है, सॉरी। तो क्या आपने रियल लाइफ में भी ऐसा कभी सोचा है या डांस या किया है? रियल लाइफ में मैंने बहुत गाने गाए हैं अपने मोहल्ले की, मैं सच में कहना नहीं चाहिए लता मंगेशकर रही हूँ। बाद में मुझे अस्थमा हो गया तो मैं नहीं गा पाई, छूट गया। और सिंगिंग डांसिंग कॉम्पिटिशन में बहुत पार्टिसिपेट किया, मैंने क्लासिकल डांस सीखा है प्रयाग संगीत समिति से 4 साल कथक, और बहुत इंटरेस्ट है मुझे। कभी ऐसा सीक्वेंस आता है तो याद आ जाते हैं वो दिन की, हाँ हम दिन रात प्रैक्टिस किया करते थे 4-4 घंटे। मैडम हमारे पैर जब तक ना दुख जाए तब तक डांस कराया करती थी हमसे, नीलिमा जी हमारी, नीलिमा बोस टीचर हुआ करती थी। अच्छा, जैसे कि देखा जाए बॉलीवुड के सबसे सुपर डुपर स्टार अमिताभ बच्चन, उनकी वाइफ जया बच्चन और विवेक ओबराय और बहुत सारे सेलिब्रेट हैं जो कि यहाँ पे आए हुए हैं फिल्म सिटी रिलायंस स्टूडियो में। वो लोग मेरा भारत स्वच्छ भारत, अच्छा कोई गंदगी ना करे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को अवेयर करने की ज़रूरत है कि स्वच्छता जो है वो हमें भगवान के मतलब नज़दीक लेके जाती है, सच्चाई की तरफ लेके जाती है, और जहाँ सच्चाई होती है वहाँ जीत होती है। तो यही मान के चलिए कि जहाँ सच्चाई है, जहाँ साफ़ सफाई है, वहाँ उसका वास है, और जहाँ उसका वास है वहाँ तो सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। प्लीज़ अपने आसपास अपने दिलों को भी साफ़ रखिए आसपास की जगह के साथ साथ, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, और ये बहुत ज़रूरी है आज। अच्छा, तो आप अपने ऑडियंस के लिए क्या कहेंगे? ये जो नया सीन आप लेके खड़ा कर रहे हैं नए मोड़ पे इंडिया करके दर्शकों को, मेरे ऑडियंस मेरे दर्शक बहुत सुधी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है। और मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहती, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हैं आप वैसे बने रहिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, और मैं पूरी जी जान से कोशिश करूँ कि आपको अच्छा मनोरंजन दे सकूँ, आपके दिलों में जगह बना सकूँ। प्लीज़ दिलों के दरवाजे मेरे लिए खुलिएगा। टीवी सेट तक तो पहुंचा ही रहे हैं गरिमा प्रोडक्शन आपके लिए।